पाकिस्तानी सियासत को अगर देखें, उतार चढ़ाव को देखें, तो आप किस तरीके से देखते हैं? आपके लिए क्या मेजर हाईलाइट रहा इस पूरे साल का? मैंने लाडला फिल्म देखी नहीं है, लेकिन लाडला फिल्म के यहाँ पे जो देखते रहे पिछले पूरे साल वो जरूर देखी है मैंने। लेकिन उसमें सभी लाडले बन जाते हैं, दिल करता है लाडला बन जाता है वो। खैर एनीवेज, लाडला बनना हर कोई चाहता है, लेकिन जब कोई दूसरा बन जाता है ना, तो फिर सबको बहुत बुरा लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो सादिया, इसी तरह ही है। मैं थोड़ा सा गलत उसको एक्सप्रेस कर गया, लेकिन बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाना सब चाहते हैं पिंडी, ये पिंडी की तरफ जाके एक चक्कर लगा के आ जाए और लाडले बन जाए, लेकिन बनता कोई नहीं है, कोई कोई बनता। खैर एनीवेज, तो वो भी चेंज होते रहे अकॉर्डिंगली। But you know, it was like hectic. I would say hectic and different in a way this year, you know, which we have like passed. Bahut activities thi, and especially you know, you were all over. Aap to batao, you were like traveling around, aur aapne wahan pe bhi dekha, yahan pe bhi dekha. You were in United Nations, and you were like national politics ko bhi aap dekhti rahi ho. So you know, it's a happening place, Pakistan especially. And it's a day-to-day politics. और day-to-day politics चलती है यहाँ पे। और as you know, पता है, you have like spent like so many years in journalism. यहाँ पे किसी चीज़ को predict नहीं किया जा सकता। In 48 hours कुछ ना कुछ change हो जाता है। बिल्कुल। एक किया जाए ना जनाब के ये चीज़ static होएगी। This political thing is going to happen in like after like so many weeks. That doesn't work. वो यहाँ पे काम चलता नहीं है। But anyways. I would say tough times for everyone, and it's an evolution process. ये पूरा साल जो था उसको मैं ये इस तरह mention कर सकता हूँ कि evolution process है। अब let's see if it works. Yeah, if it works, so it's like you know it's going to be a big thing. But we are keeping our fingers crossed on this one कि it should work, especially. जो देखे SIFC अगर देखा जाए, उसको पढ़ा जाए, तो अगर वो इन ट्रू स्पिरिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, तो सादिया आई थिंक दैट स्काई इज गोना बी द लिमिट। बट यू नो उसके दरमियान उसको क्योर होने तक और उसके जनाब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने तक इन ट्रू स्पिरिट, क्योंकि देयर आर सो मेनी MOUs दैट दोज हैव बीन साइंड, बट एट द वेरी सेम टाइम एग्रीमेंट कब बन होंगे वो हमने देखने हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट से अगर हो जाते हैं तो दैट मींस के थिंग्स हैव मैच्योर्ड, और अगर वो मैच्योर हो जाती है तो देन व्हाट आई एम सेइंग इज स्काई इज गोना बी द लिमिट। वो वाकई स्काई इज गोना बी द लिमिट फॉर पाकिस्तान। इलेक्शन के निकाल से पहले ही जब सवाल उठ गया है उस पूरे प्रोसेस पे, तो फिर बाद में कैसे कोई नतीजे तस्लीम करेगा? और यही अलमिया नहीं रहा, हर इंतखाबात के बाद जो यही होता है, हम सुन रहे होते हैं प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग। देखिए द पॉइंट इज के देखिए सारी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, सब लोग करते हैं, चौधरी साहब भी कर रहे हैं, बट अगर ये सारी चीजें नजर आ रही हैं और ऑब्जेक्शंस हैं और इश्यूज हैं, तो फिर आप यू शुड पुट योर फुट डाउन राइट नाउ। आप इलेक्शंस होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, यू शुड पुट योर फुट डाउन एंड यू शुड बी लाइक यू शुड असर्ट योरसेल्फ कि दी फेयर एंड फेयर काम नहीं हो रहा एंड वी आर गोइंग टू डू दिस। You should make a decision right now. Either ways, ठीक है? So अगर आप objection भी raise करते रहे, फिर आप elections की तरफ भी जाएं, फिर उसके बाद फिर uncertainty हो, फिर आप issues raise करें और कहें जनाब के election सही नहीं किए कराए गए, लेकिन लेकिन वो जो लेकिन है ना, उस लेकिन के चक्कर में आप जाके फिर भी assemblies में बैठ जाएं। अच्छा, लेकिन तो it doesn't इसमें एक और बात बताइए, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि दे शुड पुट योर पुट देयर फुट डाउन नाउ, फिर इस पे बात करें, अभी से करें, इलेक्शन होने का इंतजार ना करें। बट क्या बॉयकॉट करना ऑप्शन होता है फिर ऐसे में? वो बेहतर ऑप्शन होता है? नहीं सादिया, देखिए बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है। माय पॉइंट इज, देखिए आप बॉयकॉट ना करें, बताएं आप डू समथिंग यू नो अबाउट इट इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक मियर स्टेटमेंट्स, और आप सिर्फ स्टेटमेंट दे दें और ये मतलब इस पे काम रखे जा रही कि जी हमने इत्तेजाज रजिस्टर करा दिया और हमने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है जी, दैट इज नॉट इनफ। पीपल हैव ग्रोन अप, यू नो, अब पीपल आर नॉट लिविंग इन द 90s और 80s इरा, दे आर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, ठीक है। सो दे हैव टू यू नो अल्टर देमसेल्व्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू अल्टर देमसेल्व्स एंड देयर एटीट्यूड्स एंड द वे दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, दे हैव टू चेंज देयर वे ऑफ पॉलिटिक्स।
तो इफ दे आर नॉट डूइंग इट एंड दे आर सेइंग कि जी इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, ठीक है ओके नजर आ रहे हैं, ठीक है वेरी गुड बिल्कुल है, बट आप कुछ करें ना, आप ये तो ना करें ना, लोगों को ये ना बताएं कि जी उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी होगी आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर, आप इलेक्शन भी कराए उस जनाब उस सारी एक्सरसाइज से भी गुजरे, उसके बाद जनाब आप फिर आपने अनसर्टेनिटी लेके आनी है, तो फिर किसका तो फिर फायदा किसका हो? और वो उन्होंने तो कहा कि पॉलिटिकल केओस तो छोड़े, इकोनॉमिक केओस जो है वो भी मजीद खौफनाक हो जाएगा, तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि पर पहले उस पे बात कर लें फिर ये पूरी ये पॉइंट है, आपने फिर पॉलिटिकल केओस फिर दैट इज इंटरलिंक्ड ना, पॉलिटिकल केओस लीड्स टू इकोनॉमिक केओस, बिल्कुल ऐसे ही है, सो सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन पर ही जाना है, तो फिर माइट एज वेल डू समथिंग यू नो राइट नाउ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द इलेक्शंस टू हैपन।